हेयर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट। आपको आपके बाल बहुत प्रिय है लेकिन आप प्रकृति से अपने आप को नहीं बचा सकते, तो बालों की रक्षा करने के लिए मैं विभिन्न बिंदुओं पे आपको बताने जा रहा हूँ कि हीट और सनलाइट से बालों को डैमेज कैसे होता है, उस दौरान डायरेक्ट आप कैसे बचा सकते हैं, उस दौरान आपको डाइट कैसे लेनी है, किन किन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए और क्या करने से आप अपने बालों को बचा सकते हैं। तो मैं विभिन्न बिंदुओं पे आप मेरे को यदि सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक सुनिएगा। सबसे पहला है हीट और सनलाइट और यूवी लाइट से बालों का प्रभाव। बाल एक प्रोटीन का बना होता है और उसमें 3-6% वाटर कंटेंट होता है। यदि डायरेक्ट हीट या सनलाइट मिलेगी तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि हेयर फाइबर में ऐसे शिंगल्स होती है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट क्लोज सिलेंडर, दे आर सिंगल्स। तो जब हीट होगी तो ये शिंगल्स ओपन होकर उसमें से वाटर निकल जाएगा एंड द हेयर बिकम्स ड्राई ब्रिटल और वो हेयर टूटने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, उसके ऊपर से हीट होगी, सनलाइट होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, उसकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, तो अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकल जाने के कारण और डायरेक्ट प्रोटीन के सनलाइट और हीट से डैमेज होने के कारण प्रोटीन की बॉन्डिंग टूट जाती है और हेयर फ्रजाइल और ड्राई हो जाता है, फ्रीजी हो जाता है और टूटने लगता है। तो ये मैकेनिज्म है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दौरान आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है, गर्मी में आपका हाइड्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन आप दो प्रकार से कर सकते हैं, रेगुलर पानी पीते रहे, है ना, पसीना आया पानी बाहर निकल गया, आपको रेगुलर पानी पीना है, जो सबसे सिंपल है। दूसरा, बहुत सारे फ्रूट्स है जिनके अंदर हाई वाटर कंटेंट होता है। आप देखिएगा प्रकृति जब जिस चीज की मानव शरीर को आवश्यकता होती है, प्रकृति उस सीजन में वो चीज प्रोड्यूस करती है। जितने भी जो वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स है, वाटरमेलन हो गया, आपका खरबूजा हो गया, पाइनएप्पल हो गए, पपैया हो गया, है ना, पॉमग्रेनेट हो गया, ये सारे जो जितने भी जूसी फ्रूट्स है, ऑरेंजेस हो गए, ये सारे गर्मी में ज्यादा आते हैं, आम हो गया आपका, मैंगो हो गया, इनका रेगुलर आप सेवन करें। मैं कहूंगा कि आप एक नियम बना दे कि प्रतिदिन आप इनमें से एक फ्रूट का उपयोग करना ही करना है। इन फ्रूट के आप जूसेस ले सकते हैं प्रतिदिन, बहुत अच्छे जूसेस बनते हैं, बहुत अच्छी मशीन आ गई, तो ये हो गया। दूसरा, हेल्दी डाइट ले इस दौरान। हेल्दी डाइट से मतलब जिस डाइट के अंदर प्रोटीन हो, एसेंशियल फैटी एसिड्स हो और अमीनो एसिड्स हो और कार्बोहाइड्रेट हो, ऐसे आपको फूड का उपयोग करना चाहिए। एसेंशियल फैटी एसिड जैसे किसमें होता है, जो वेजिटेरियन सोर्स है उसके लिए दो सबसे अच्छे हैं, एक तो फ्लैक्सीड मतलब अलसी के बीज का तेल होता है, दूसरा पम्पकिन सीड मतलब कद्दू के बीज का, इन दोनों में एसेंशियल फैटी एसिड मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है वो एक तो एग हो गया और कॉड लिवर ऑयल हो गया। फिर एसेंशियल अमीनो एसिड्स किसमें मिलते हैं, वेजिटेरियन सोर्स में आते हैं आपके नट्स है, आलमंड्स है, अखरोट है, और नॉन वेजिटेरियन सोर्स में सभी प्रकार के मीट है और एग है। अब आता है डायरेक्ट बालों की सनलाइट से हम कैसे रक्षा करें। एक तो नहाने के बाद में आप ड्रायर का उपयोग ना करें, दूसरा टॉवल से बहुत ज्यादा रगड़ के सारा उसको ड्राई ना कर दें, ये दो चीजें ना करें। और क्या करें, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर मिक्स करके आप लगा सकते हैं, नहीं तो वेट हेयर पे 2-3 बूंद पानी को ऑयल को आप लगा सकते हैं। ये इसके अलावा आप अपने घर में एक बना सकते हैं जिसके अंदर ग्रेप सीड ऑयल या पम्पकिन सीड ऑयल की 4-5 ड्रॉप्स लीजिएगा, 10 ml के करीब गुलाब जल ले लीजिएगा, उसमें मिक्स कर दीजिएगा और स्प्रे बॉटल में रख के आप अपने बालों पे जब भी आप धूप में जाए उससे पहले लगा लीजिएगा और उसके ऊपर कैप पहन लीजिएगा। तो क्या होगा, वो इवोपरेट नहीं होगा, मॉइस्चर बना रहेगा और उससे आपके बालों को प्रोटेक्शन मिलेगा। आप बाहर जाएं कि डायरेक्ट सनलाइट से जितना ज्यादा एक्सपोज हो उससे बचे अपने आप को। फिर उसके बाद में हेयर प्रोटेक्शन की आजकल हेयर सनस्क्रीन क्रीम्स आती है, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। कैप या हेलमेट लगाना ही लगाना है, क्योंकि ड्राई एयर हेयर के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, इसलिए वो कैप कपड़ा या हेलमेट का आपको उपयोग करना ही करना है। अम्ब्रेला का उपयोग आप करिए, अम्ब्रेला को काम में लेने में कोई शर्म मत कीजिएगा, अम्ब्रेला आपको हर तरीके से आपकी रक्षा करेगा। तो ये हो गया आपके साथ में, डायरेक्ट सनलाइट से आप अपने आप को बचाते हैं। तो आपकी डाइट हो गई, हाइड्रेशन हो गया, डायरेक्ट एक्सपोजर से अवॉइड, फिर हेयर प्रोटेक्टिव क्रीम्स हैं, इन सब का यदि आप उपयोग
उपयोग करेंगे तो आपके बालों की हर हालत में एक्सट्रीम हीट, सनलाइट, यूवी लाइट और ड्राई एयर से आपके बालों को डैमेज मिनिमम होगा या नहीं होगा। यदि आप इसके संबंध में और जानना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप वो देख सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।